नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कि ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिज़ाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। एक कोई स्क्वायर टाइप का हैंकरचीफ है और उस हैंकी पर 9 सर्कुलर डिज़ाइन बनाए गए हैं। आपको ये बताना है कि इन 9 सर्कुलर डिज़ाइन के अलावा जो पोर्शन बच गया जिस पर डिज़ाइन नहीं बना हुआ है उसकी एरिया क्या होगी। क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर जो रेडियस है इस सर्किल का वो 7 सेंटीमीटर है, तो इस सर्किल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 + 7 = 14 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये नोट कर लें कि वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 7। अब क्या होगा, यहाँ पर 3 सर्कुलर है, इक्वल सर्कल है, तो मल्टीपल बाई हम 3 कर देंगे, राइट। 7 × 7 = 14, 14 × 3 = 42 सेंटीमीटर। दैट्स द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड होल स्क्वायर मल्टीपल बाय 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने 42, थोड़ा सा इसको हम क्लियर लिखते हैं, 42 की मल्टीपल 42 से करेंगे, 2 × 2 = 4 ट्रिक है ये, और 4 × 4 = 16 बहुत आसान से ट्रिक है। और यहाँ पर इसको 4 × 2 = 8, 8 का जस्ट डबल 16 होता है, 4 × 6 = 6171 आ गया ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रिक से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत जल्दी फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन is equal to 7 सेंटीमीटर, that is area of circular design equal to pi r square, pi की वैल्यू 22/7 और मल्टीपल बाय 7 होल स्क्वायर। आप कर दीजिए, यहाँ पर हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब 9 है यहाँ पर, तो आप यहाँ नोट करिए एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन इज इक्वल टू 154 मल्टीपल बाय 9, 9 × 4 = 36 कैरी 3, 45 × 3 = 48 कैरी 4, 9 × 9 = 13 = 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू क्या करिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर से एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन को माइनस कर लीजिए। तो यहां पर आपके पास हो गया 1764 माइनस 1386, 1466 का कितना हो गया 8 हो गया। यहां देखिए 5 बचा है, 5 से 8 जाएगा, 15 - 8 = 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास कैरी यहाँ चला गया, तो यहाँ पर 17 के पास 16 हो गया, तो 16 से 13 निकाल देंगे, तो यहाँ पर 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका फाइनल आंसर, बस आपको करना क्या है भाई, इसके पहले डायमीटर फॉर्म कर लीजिए, डायमीटर के लिए यहाँ पर 14 हो गया, फिर साइड जानने के लिए 14 × 3, तो हमारा ये सर्कल का जो ये एबीसी है, एबीसी और डी सर्कल है, स्क्वायर है, इसका हमें एरिया मिल जाएगा। इसका एरिया फाइंड करने के बाद वन सर्कल का एरिया फाइंड करिए, फिर 9 सर्कल के एरिया फाइंड कर लीजिए, मल्टीप्लाई जाएगा, और एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन के लिए एरिया ऑफ द स्क्वायर से एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन को माइनस कर देंगे, आपका आंसर जाएगा। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन करने का ढंग यही होगा, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर करें। थैंक्स टू वॉचिंग।